हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही कुछ बाइक से इस प्रकार से, एंड तुम्हारा ब्रदर जा रहा है घूमी जहाँ मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल टाइप का इंटरेस्ट है, लेकिन क्या रहा है कि आज मेरे दोस्त के दोस्त लोग मिलने वाले हैं, इसीलिए हम भी जाने के लिए कहा कि चलो मैं भी चलूँगा। बट और ये कुछ भी नहीं, उज्जैन के बाद ये लोगों से आज पहली बार मैं मिला हूँ, तो चलो चलते हैं। पहले वो 3, 4, 5 जितने भी दोस्त हैं इसको उनको लेने जा रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको चलते हैं। और ये चूंकि इनको क्या ख़त्म करो, हटाओ यार, ये लोग वो वाले हैं। ज़्यादा है आज, बहुत ज़्यादा रेस है, मैं मानता हूँ आपको आवाज़ क्लियर ना आ रही होगी, लेकिन मैं उसको क्लियर कर लूँगा। सो यार एक छोटा सा मजाक हो गया, ये प्रभु समझ रहे हैं इस खम्भे को, माँ की कसम बता रहा हूँ, यहाँ पे बिजनेस स्टार्टअप डाला जा रहा है और ये प्रभु बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे चूते चूते बंदे मिल जाते हैं कि क्या बता दें। प्रभु जय हो प्रभु साला, इतना बड़ा भक्त मैं नहीं रहा हूँ कि जो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद हो, ये कह रहा हूँ हर हर महादेव। हाँ भैया, अरे कहाँ पे नहाए वाले रहन, जरा बताओ यार। देखो पीछे का एरिया देखो, ये पानी भरा है इनका, ये नहाने आने वाले थे। कुंड है, लेकिन कुंड में नहाने लायक नहीं है, वो बेकार है। बरसात के बाद समय बाद प्राइवेट बाथिंग 50 दो यहाँ पे, प्राइवेट बाथिंग कर लो। नहीं या पानी में भाई माँ का समझ ना है यार, नहीं तो बर्बाद हो ही जाइए। इंसु मछली मारे का है ना, मछली सो देख लो यार, ये लोग ऐसे पानी में नहाने आने वाले थे। भगवान का शुक्र हो कि हमने नहाया नहीं, परेशान न हो करण तोर चेहरा ऐसा ना दिखाई, क्योंकि नाम ही मैंने दिखा दिया है। और ये देख लो खंडो माता मंदिर, एक हालांकि ये पहला भी ब्लॉग डाला हुआ है, मैं तुमको आई बटन में ऊपर क्लिक करके दिखा दूंगा कि पहले से भी ब्लॉग डाला हुआ है। एंड चलो चलते हैं आगे की ओर, कर भी कह सकते हैं यार, ये लोग नहाने के जुगाड़ में रहे हैं, नहाने का तो इनका पॉसिबिलिटी नहीं है, नहा ही नहीं पाएंगे, तो चलो। सो ये देखो पानी बस इतना ही भरा हुआ है, और यहाँ कभी कोई नहीं नहाना नहीं। मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यार नहाना नहीं, क्योंकि ये बकचोदी वाला सीन है, इसी कुंड में लोग अक्सर डूब के मर भी जाते हैं। एंड कुंड की स्थिति देख लो, इतना गंदा है कि मतलब कर भी क्या सकते हो यार। ये देखो ये है मौत के कुएँ, छोटे छोटे इन्हीं में लोग फंस के मर जाते हैं। एंड ये है भैंसासुर कुंड, इसी को कहा जाता है। एंड यहीं जहाँ ये ब्रदर बैठा है, बस इसी के जस्ट नीचे ही आ है, यहीं पे ऐसी जगह है कि जहाँ से तुम खो जाओगे मिलोगे नहीं, मिलोगे तब जब तुम पोस्टमार्टम वाले घर में होगे, वहाँ मिलोगे, और बाकी कहीं नहीं मिल पाओगे। एंड बीच बीच में हालांकि ऐसे ही गड्ढे इधर भी उधर भी हैं, पानी के अंदर भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है यार कोई भी आओ लेकिन घूमो, लेकिन यार नहाओ मत यहाँ, नहाने के लिए वो हमने बनवाया था, लेकिन क्या था कि आज पानी नहीं चल रहा है यार। ये मंदिर हमेशा भरा हुआ रहता है, लेकिन ये आज पता चला कि ये गर्मी के ठंडी चल रही, ठंडी के मौसम में कुछ ऐसा रहता है कि यहाँ पानी भी नहीं और ऊपर से पब्लिक भी नहीं। नहीं तो यार कुछ, तुम्हारा भाई पता है ना कि आनंद किस चीज़ का लेता है। सो बस यही रिकमेंड करूँगा कि यार गर्मी और ठंडी के सीज़न में मत आओ, तो बरसात में आओ और 2-3 के चले जाओ साथ ही साथ, समझ रहे हो ना। पीछे हमारे कुंड है, उसमें आप आओ नहाओ, और उसके बाद डायरेक्ट संजय गांधी हॉस्पिटल में मिलते हैं फिर। चलो सो यार, कुछ था नहीं पर फिर भी हो गए, फोटो शूट हो गए, सब रिटर्न। और ये देखो ये भाई लोग हैं, अरे दिखेंगे भी नहीं, अब दिखेंगे ये भाई लोग हैं। अरे एक तो इतने लम्बा है यार, भाई माँ की कसम बता रहा हूँ यार, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ इनको। ये भाई लोग हैं जो मेरे दोस्त के दोस्त हैं, बट अब हमारे भी दोस्त ही हैं,
क्योंकि यार भाईचारा इसलिए बढ़ता है, मैं बोल नहीं सकता, मेरे फैमिली वाले ब्लॉग ज़्यादा देखते हैं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाकी तुमको पता ही है कि क्यों, तुमने हमारा बाकी पहले खंदो वाला ब्लॉग देखा ही है तो उसमें भी देखना कि क्या इशू है, मैंने कितनी बकचोदियाँ गाली बकी है। सो ऐसा कुछ भी नहीं, इस बार नहीं बकना है। एंड ये देखो वो अपने उसको देख लो जो तुम्हारा दोस्त का लगोटिया यार है, सौरभ बर्मैक्स को, इसको प्यार से हम लोग महन चलाओ चला। नो मतलब एक ऐसी जगह जहाँ मेरे मामा सबसे पहले बोलते थे चल खंदो, जय खंदो वाली माता, जय पंखों वाली माता। सो ये किस बेस में रिकमेंड करते थे और सजेस्ट करते, क्योंकि खंदो एक ऐसी जगह है जहाँ तुम अपनी बंदी को लेके आओ, आराम से घूमो, कोई कुछ तुमको बोलने वाला है नहीं, एंड जो भी बोलने वाला हो तुम उसके मुंह में बोल सकते हो जो तुम्हारी इच्छा हो, क्योंकि साथ में तुम्हारी बंदी भी रहेगी, कुछ भी बोलो। सो ऐसा है कि ऐसी जगह है, बट हम ऐसे टाइप के लड़के नहीं हैं कि हमको ये सब में इंटरेस्ट है, बस इसीलिए अपन दोस्त ही दोस्त आते हैं, जरूरी नहीं है। सो अब अपन जा रहे हैं मुकुंदपुर, देख सकते हैं यहाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहे होंगे बच्चे एंड भाई लोग एचआर लाइट जलाते हुए, वो भी अपने साथ के ही हैं, जा रहे हैं वो लोग भी, एंड चलते हैं मुकुंदपुर जू। आप बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मुकुंदपुर जू में वीडियो बनाओ, पर क्या था यार इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, क्यों? क्योंकि जगह अच्छी नहीं है, मैं पहले ही तुम लोग को बता रहा हूँ। जानवर के नाम पे तुमको मरे हुए वो दिखेंगे, साला बिल्कुल मर चुके से वो बच्चे दिखेंगे छोटे छोटे, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा था, दिखा रहा था। सो आज मेरे दोस्त लोगों को भी समय मिला तो इसीलिए अपन ने भी कहा कि चलो कोई इशू नहीं है, चलते हैं फिर जो होता है देखते हैं। सो व्यू द दिस लोकेशन एंड अपन पहुंच चुके हैं मुकुंदपुर, और ये है वेलकम टू द कैफे ऑफ मुग मार्क मुकुंदपुर, मुग मार्क मुकुंदपुर। सो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बहुत दिनों से मन नहीं था, पर मैं आप लोगों के चक्कर में आज आया हूँ व्हाइट टाइगर सफारी, जिसके अंदर व्हाइट टाइगर तो है नहीं, ना ही सफारी है, तो एक सीधा सीधा कुछ भी नहीं है और रेस्टो वगैरह है नहीं, रिजर्व्ड एरिया यहाँ से आया है, बहुत दिनों से मैं आया नहीं हूँ तो पता नहीं, यहाँ ना हो यार या या। पक्का? हाँ यही है, आ जाओ, यही है यही है। सो यही एरिया है एंड अपने को पता इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत सालों से रीवा इको पार्क, अरे मुकुंदपुर इको पार्क, ये है वो जू एंड यही है वो ओ बच्ची लोग आई है वहाँ। ये देखो ये गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए पिंसू साहब छपरी, जिनका नाम छुच्छी है, ये गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि आप लोग देख आ रहे होंगे। सो चलो चलते हैं कहीं पे लगा दे जहाँ धूप ना हो। हाँ एंट एंट। सो यहीं पे अपन बाइक पार्क करेंगे एंड ये बंदे ने पैर पार्क कर दी ये इधर यार, अरे चल पर्ची अंदर है दीन जाई नाउ पार्किंग वाली। हाँ यार पार्किंग वाली केहू नहीं लिया यार, दोनों लोग चले हैं। आ चुके हैं यार व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू, जिसको मुकुंदपुर भी लोग बोलते हैं, मुकुंदपुर ज़्यादा लोग बोलते हैं क्योंकि क्या है यार उनको क्लियर अभी पता नहीं है ना, तो इसलिए। एंड यहीं है भाई लोग फ़ोटो खींचेंगे एंड उसके बाद निकल जाएंगे, ज़्यादा बड़ा कुछ तो है नहीं, तो चलो चलो देखते हैं। सो यार अपन पहुंच चुके हैं मुकुंदपुर, आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, मैं वीडियो में सही कर लूँगा हालांकि, पर बता के इसलिए करता हूँ क्योंकि सही बाद में करता हूँ, क्या है कभी कभार हो भी नहीं पाता है इसलिए मैंने ऐसा कह दिया है। एंड भाई लोग ये तीनों भाई यार सिर्फ आए ही बस थे, लेकिन उसके बाद निकल जाएंगे भाई लोग, स्माइल तो ऐसी दे रहा है कि जैसे अभी समझ लो। एंड हाँ एक मिनट कर रहे हैं तो यार अंदर चलते हैं सीसीटीवी के। चलो यार चेकिंग कुछ ज़्यादा डेंजर सी हुई है, कमला पसंद पता नहीं कौन कौन सा नाम पूछ रहे थे कि ये चीज़ें आती हैं, ब्रांड है क्या आपके पास? मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है,
मेरे सौरभ भाई की बहुत ज़्यादा चेकिंग ली है, सौरभ जोशी की बहुत ज़्यादा चेकिंग ली है, एंड उनके साथ जो उनके करण जोशी हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा चेकिंग हुई है। सो चलो चलते हैं, देख रहे हैं अब ये इनका पोजा चल रहा है, देख लो, देखो इंटरेस्ट। अक्षय कुमार वाला यहाँ पोज चल रहा है। चलो कोई ना, चलते हैं, ये ऑफिस से प्रतिबंधित एरिया ये रहता है इधर हमेशा, एंड चलो फिर चलते हैं, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो पहले ही बता रहा हूँ, जो शेर देखने का ख्वाब है वो सिर्फ यही शेर आ है, बाकी कोई शेर नहीं दिखेंगे। ये शेर है, ये शेर है, ये शेर है, एनीथिंग गाइस, ये शेर है। आते समय फोटो खींच, आते समय क्लिक कर, जब तक थोड़ा कम धूप हो जाए थोड़ा मजा आई। तो चलो, यहाँ पानी की बॉटल 30 रुपये है, पानी की बॉटल सिर्फ यहाँ 30 रुपये में, यार बहुत ज़्यादा बगी सफ़ेद हो गया यार, कुछ नहीं, चलो हो गया, आ गए हैं तो अब कर भी क्या सकते हैं, अच्छा ही एरिया है। तो दोस्तों गाइस सफारी स्टार्ट, ये है, हो गया, हालांकि ठीक ठाक ये शॉप है, यहाँ तुमको टी शर्ट जैकेट वगैरह ये सब मिलेगा, जिसमें वाइट टाइगर सफारी लिखा रहेगा, एंड ये देख लो कुछ मैप इस प्रकार की है, ये मैप है पूरे मध्य प्रदेश का मैप है, इस यहाँ का मैप बस नहीं है। और ये देखो, ये एक तरीके का ये गोल्फ है, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया बिल्कुल, ये गोल्फ सेट है, एक गोल्फ ट्रॉली है, एंड गोल्फ ट्रॉली को चेंज करके कुछ और बना दिया गया है। तो ग्रुप ऑफ ए एस एस सुन एस सुन एस सुन एस सुन, इधर साइड क्या करेंगे, रोड क्लोज है, ये वाला सफारी चलना है ना, वाटर पॉइंट चलना है या सफारी चलना है, इधर चले, इधर चलते हैं, इधर से आते हैं, इधर चल। सो यार कुछ ऐसी जगह है, इंटरेस्ट तो नहीं आने में, लेकिन फिर भी किसी के कहने में, हाँ विंस वो देख, वो बैठा है, वो बैठा है, वीडियो बना लिया जाए, असली है या नकली, जाओ पास में जाओ, असली है या नकली, असली है या नकली, पाके जाके पहले पता कर ले असली है या नकली। ये देखो दिख गया तुम लोगों को हल्का सा, असली है या नकली, गेस करो गाइस, गेस करो असली है या नकली, मतलब पीछे से लग ही नहीं रहा कि असली है, हाँ इसीलिए तो नकली नहीं है ये सामने से देख यार, उधर जगह ही नहीं है जाने की क्या है, थोड़ा जूम करना है, जूम करने के लिए इसको खोलना पड़ेगा हमको इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, अरे भाई खिलानी बना रहे हैं, लल्ला खिलानी, अब मैं वीडियो पता है काय के लिए बना रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब के लाने, चेक करो यार ये असली है नकली है, अभी तक तो गर्दन हिलाया नहीं, इधर देख ही नहीं रहा है, क्यों भाई गुस्सा क्यों है यार सो आगे चलते हैं यार, कुछ इंटरेस्ट तो है नहीं। सो चलो, कतई नहीं देखने वाला है वो बंदा, साफ साफ बच्चों को रेलिंग से दूर। सो चलो, शेर तो कुछ बोल नहीं रहा है, हमारे करण शेर ज़्यादा इससे बेटर बोल पा रहे हैं, वो हर ब्लॉगर अपना फ़ोन चेंज कर तरीके से चलता है, लेकिन उनका फ़ोन हमेशा चेंज रहता है, क्यों, क्योंकि वो ऐसा कुछ वीडियो बनाते हैं, अरे ऐसा कुछ बनाते हैं एंड यार ओ इसी चीज़ का तो इंतज़ार था हम यार कसम से बता रहा हूँ गाइस, सेकंड टाइम आया हूँ, इंटरेस्ट ख़त्म है बिल्कुल ही, इंटरेस्ट ख़त्म है कसम से बता रहा हूँ, पर फिर भी कर सकते हैं, हो गया थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है चल रहा है, क्या बता दें यार, शेर है और कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो चलो, यहाँ अच्छा है कि एक अंकल बैठे रहते हैं, बच जाओगे, लेकिन है कहाँ, अच्छा वाइट टाइगर दिखा क्या किसी को, क्या किसी को दिखा, हाँ मेरे को भी दिखा, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ठीक है, इस ये बंदा अच्छा, ये देख रहा है अपनी ओर, ये देखो कुछ चेक करो गाइस, ये साला यहाँ बैठा, इतना दूर एक तो बैठा है कि जूम करने में यार क्या बता दूँ, फोन भी लिया हूँ पर फिर भी जूम इतना ज़्यादा कितना कर दूँ इसके लिए, हाँ
30x तक जूम भी कर दिए फिर भी कुछ भी नहीं, वही ना देखो जितना दिख रहा है उतने में ही देख लो, लेकिन लग रहा है कि बिल्कुल पुतला बनाया गया है। बहुत ट्रेन किया गया है इनको, हिलना नहीं तुम, नहीं तुम्हारी मार लेंगे। स्पॉट, अब हम और कहाँ जा रहे हैं गेस करो, क्योंकि ये जो है, हाँ रेलिंग में करना, क्या करना मना है। तो गेस व्हाट कि अब और कुछ होने वाला है यार, यहाँ थक जाता है इंसान चलते चलते, धूप ऐसे लग रही है क्या बताए, और कोई ना चलो चलो चलते हैं और आगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे तुमको दिखेगा, नहीं तो मैं तुमको हाँ दिखेगा आपको बता दें तो, ये कुछ दिखेगा सो चलो। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा यार, तो प्यार भरपूर देना। अरे बहुत अच्छा है यार, ये पास में ही बैठा है, ज़्यादा जूम नहीं करना पड़ेगा, जूम करते करते डर जाता रहा इंसान, बेचारा बूढ़ा हो चुका है बब्बर। दिखा सामने बैठा, ये देखो जबरदस्ती, वहां पे उसकी डेंसिटी लिखी है, कितना छलांग मार सकते, सब कुछ उसका लिखा हुआ है। ये देखो कुछ आपको दिख गया होगा इस बार कहाँ पे है, अपने से इतना दूर है। ओ भाई इधर देख ले यार, एक भी नाराज है क्यों बच्चे, बैठे नाराज है। अरे बहन तो हमको समझ में नहीं आवे भाई कि हाँ पुतला रख दिया गया है का, और ये फिर सिर्फ उसका सर हिलाने के लिए बटन दबा, तो आगे चलेंगे अपन। अरे हम कहने अब को आए सिटी बजा रहे हैं, वहाँ के तो फोन वगैरह यहाँ सब अला हुआ यार, आओ घूमो, पर घूमने लायक जगह नहीं है रियलिटी बताऊँ तो, घूमने लायक कैसा इंटरेस्ट है जगह में। अरे माँ कसम कर साहब को पता ही नहीं कि कितने सारे शेर होते हैं, शेर ना एक्चुअल लॉयन बोलो टाइगर बोलो, तो इन्होंने शेर ही तीनों को बोल दिया। सो चलो चलते हैं आगे की ओर, एंड यहाँ पे सबसे बेहतरीन व्यू पॉइंट्स है, यहाँ पे ही आपको लेने लायक है सेल्फी वगैरह, एंड चलो चलते हैं यहाँ पे। रेलिंग पर ना चढ़े, रेलिंग नहीं हो, हम लोग रेलिंग में नहीं चढ़ते हैं, वैसे भी बहुत सुरक्षित बच्चे हैं, रेलिंग में चढ़ के बर्बाद थोड़ी होना है। हाँ फालतू है ये, देखो पानी देखो यहाँ पानी, ये कुछ यहाँ से ऐसे एक मछली कूदी और यहाँ जाके बहन की लोड़ी गिर गई। यहाँ कुछ फोटोशूट्स हो चुके हैं, मैं तुमको दिखा भी नहीं सकता, हाँ दिखा दूंगा यार अब तो, हालांकि मैं पोस्ट भी करने लगा हूँ, पोस्ट में भी तुम लोगों को दिखा दूंगा। जैसे कि हमारी परम मित्र माँ, कसम से बता रहा हूँ ये मेरे से 2 महीने का छोटा है, और देख लो इसकी मूंछ दाढ़ी देख लो, और भाई की देख लो, भाई ग्रोथ ग्रोथ, ये ग्रोथ नहीं बोलते हैं इसको। सो एक बंदा रुक गया, पता नहीं क्यों रुका है, मेंढक एवं टैंग में अंतर, हाँ लो टोंग्स में देख लो यार, तुम लोग अंतर देख लो, तो ये कुछ अंतर है जो हम भी कभी नहीं जानते थे, पर देख लो आज। चलो ये देखो प्रजातियां देख लो यार, यहाँ ब्लैक मामा भी मिलते हैं, इंडियन रॉक पाइथन, एक सेकंड, इंडियन रॉक पाइथन, वाटर स्नैक, बफल, रसल, वेप, कमांडो, कहा लिखा है कॉमन लिखा है कमांडो पर कॉमन कैट स्नैक का लिखा है भाई, मैं दूर देख नहीं पा रहा था दूर से, और कॉमन कुकुरा स्नैक क्या ये मैं नहीं जानता था भाई, भाई सच बताऊं तो यार दूर से नहीं दिख रहा था, क्लियर शॉट नहीं दिख रहा था बस इसीलिए, और इस बंदे ने भाई चोहल ले लिया यार, अरे क्या बताऊं मैं आड़ी वाणी में पढ़ के निकला हूं भाई, एक गलती हो गई मेरे से क्योंकि मैंने आड़ी वाणी में पढ़ के निकला है, लेकिन यार ये तो क्या चीज है, फिर से अंदर चलते हैं देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ कौन सी जानवर है, कौन है जो डरा रहा, हम नहीं आए वाले रहन, मैं पता है किस लिए आया हूँ, सिर्फ वीडियो के लिए आया हूँ, है कौन यार ये बताओ, डेड हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं इधर से, और कुछ लोग आगे भी जा रहे हैं, हमारे ही ग्रुप के बंदे हैं, इनके ग्रुप के बंदे हैं, हमारे नहीं,
मेरे से गलती हो गई। एंड यहाँ सोल यहाँ पे बियर मिलती है, फ्रूट बियर मिलती है। यहाँ पे बियर मिलती, बियर मिलता, बियर दिखता है। तो चलो अंदर चलते हैं, मिलता है बियर ही। हाँ कुछ भी कहो, इनको ये जालियाँ देखने में अच्छा लग रहा है और कुछ भी नहीं। फिर से ये बंदा कहेगा कि मेरे को कैप्चर कर लिया गया है। हाँ एक ब्लॉगर कभी फोटो नहीं खींचता है और एक ब्लॉगर कभी रील्स नहीं बनाता है। दिखा दी सब फ्रूट बियर, ठीक है करण फ्रूट बियर तो देख लिया हमने अपने फ्रूट बियर को। बियर मीन्स भालू, जैसे तो उनको पता है ना। भाई चश्मा लगाने के बाद कलर ही चेंज। इधर दे, वो बंदा इसे दिखने लगा यार, जो कि मेरे से लाख गुना कल्लू है साला। पहन है इनसे पानी पीने का जुगाड़ हो गया। हमको पता है ये है जंगली कैट का अड्डा। जंगली कैट हो कहाँ, कहाँ हो बेटा? अच्छा वो देखो ऊपर बैठी हुई है, थोड़ा सा ही दिख रहा होगा, पर ये देखो ये है वो जंगली कैट। रुक जा, ये है वो जंगली कैट। लॉक करने के बाद दिख रहा है, ब्राइटनेस कम कर दो दिखने लगता है। अब समझ में आया सारी रा, ये देखो। सो चलो आगे चलते हैं। चीज है भाई जैकली, यहाँ पर पड़ी। अच्छा सीगट का कहते हैं, ये देखो अब दिखेंगे, जब ब्राइटनेस कम कर दो तब दिखते हैं। अच्छा हाँ बच्चे हैं इंसान के। हाँ सो चलो अब आगे देखते हैं, भाड़िया देख लेते हैं, भाड़िया। अपकमिंग है यार, अपकमिंग आने वाला है, आया नहीं है अभी। कमेंट करूंगा कि आओ जू यार, लेकिन 5 साल बाद आना, अभी कुछ भी नहीं। तुम आगे क्या करोगे, पागलपंती यह है अधिकतर में तो अपकमिंग लिखा हुआ है, करोगे क्या जब कुछ दिखने लायक ही नहीं मिलेगा? ये ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, कैथा वगैरह खाओगे? गिरत नहीं आई, तोड़े पड़े थे। शाकाहारी जानवर चीलता गोर, ऐसे ऐसे जानवरों के नाम लिखे यहाँ। ये यहाँ मर वो रहा है, क्या नाम है, था यहाँ पे, मैंने देखा है यहाँ पे वो था। अरे उसका क्या नाम है यार, करण करण का तो पहली वीक है। अरे नहीं, अरे जो पानी के अंदर रहता है यार, बगीरा और पानी में रहता रहा है, क्या रहता रहा है उसका नाम? भालू। भालू नहीं, एक और रहा है। बालू। बालू नहीं, कुछ था क्या नाम नहीं, डियर है, माय डियर, ये ड्रिंकिंग वाटर, रेनडियर। रेनडियर यहाँ थोड़ी वो ठंड में रहता है। यहाँ भी चीज बड़ी ग्रीन कलर की उखाड़ लोगे हो। हाँ रात में अलाउ ही नहीं है ना यार आना। जब्बू भाई कर सका तो ऐसा नहीं है कि लाओ। दो ही बज गए कहाँ। अरे यार ये क्या दिखा रहे हो तुम लोग, फोटो तो खींच लो बकायदा। कुछ दिख ही नहीं रहा है, बंदर घूम रहे हैं। हाँ कहीं थोड़ी शाकाहारी जानवर, शाकाहारी जानवर कैठे हैं, दुईठे होता बैठे हैं और दो दो चार। कहाँ पे दुईठो बैठे हैं, बैठे हैं लास्ट। अच्छा बहुत दूर है, उधर कौन देखेगा। और एक बंदे को देख लो यार, वाला तो खड़ा भी है। ओ देख लो कुछ ऐसा सीन, यहाँ था आसपास कोई भी नहीं है ये रास्ता। हाँ अब पिंसू सही है, तुम सही हो। चली का वाला सीन है, कुछ नहीं आगे जाके यहाँ से आना। ये क्या है यहाँ, रेंडियर नहीं, यहाँ सांभर है, सांबर, इडली डोसा वाला सांबर। एक सेकंड, ओए तुमने गलत वर्ड यूज नहीं करनी है। तो देख लो सांबर देख लो, अरे कुछ बैठे हैं, क्या है दोस्तों। तुम ही लोग हो यार जो शेर से भी अच्छा काम किए हो, तुम ही लोग एक ऐसे बंदे हो जो शेर से भी अच्छा काम किए हो। क्योंकि क्या किए हो तुम लोग ने, तुम लोग ने सब कुछ दिखाया है अपना, ऊपर से लेके नीचे तक। हाथ पांव बाल, बाल की चमड़ी, बाल खाल,
जो भी होता है सब तुमने दिखाया है अपना। वो कितने प्यारे प्यारे दिख रहे हैं, कितने सारे सारे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसी चीजों को बचाइए, मैं भी कहता हूँ ऐसी चीजों को, जो लोग इनका शिकार करते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, ऐसी चीजों को बताइए, ऐसी चीजों को बचाइए क्योंकि ये बहुत प्राचीन चीजें हैं और ये चीजें देखने के बाद आनंद ही कुछ अलग आ जाता है। सिंघा यहाँ ये मैं चहाड़ी रही हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ए विंसु गलत काम नहीं है, सीसीटी हर जगह आगे है, यहीं से बोल रहे हैं पीछे तो हम बात नहीं माने। यहाँ कहाँ है, यहाँ कहाँ है यार, पानी भी भरा है, वो देखो उधर बैठे हैं। कहाँ गाइस, ये देखिए। अच्छा हाँ गाइस, यहाँ पे बैठे हैं, कितने हैं, सिर्फ दो ही मुझे दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं, अब हमको तीन से चार दिख गए। चार कहाँ दिख गए, दिख गए, एक दो तीन, मुझे तो तीन ही दिख रहे हैं। दूरदर्शी कराएं, दिखाएं उनको, जानता हूँ समझ सकता हूँ, समझ सकते हैं। यहाँ कौन सा है, अरे ये तो वो है, बफेलो, जेब्रा, बफेलो, जेब्रा, बफेलो, बफेलो ना है मने। हाँ रात भर जैसे खाऊं भूल भूल यम घुसे हों, हाँ रात भर यही ड्रोन से ऊपर चले ना, माँ कसम क्या व्यू, अलाउ ही नहीं। बड़े समोसा चूसेंगे, ये देखो देख लो, सिर्फ यही बसा अंदर, कुछ और दिखाया गया है और ये कुछ, इतना तो पता चल गया यहाँ कुछ भी नहीं है। एक बार और गलती कर चुका हूँ लेकिन इस बार दोस्तों के कारण गलती की है और यहाँ कुछ भी नहीं है यार, सूसू लगी है, हमारे दोस्तों को भी सूसू लगी है, है। अरे पिंसु सबसे बेस्ट जगह, रुक जा वीडियो बन जाए, सो देखिए और भी देखिए, एंड अब हम आपको ब्राइटनेस कम करके दिखाते हैं, फोटो पोस्ट करने के लिए इसलिए आज सजे बजे थे। ये देखो इसी सफारी के अंदर लेके जाया जा रहा है, हाय हाय, दो दो इंडिकेटर, अरे उनमें बना है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना ना, हाँ उनको खाना नहीं खिलाएं, इसीलिए चेकिंग होती है, कुछ लिए तो नहीं है। अंदर आप पानी बस खरीद सकते हैं और यहाँ पे शायद अगर जो गेट खुला हो तो हम आपको दिखा पाएंगे मोहन आगे कि क्या होता है, हो रहा है भीड़ का। सो जा चुके हैं अपन, बोल देता हूं, एंड देख लिए ना यार तुमने, अंदर भी जाके कुछ है नहीं ज्यादा खास और दिखता ही नहीं, 100 रुपए चले भी गए दिखा भी नहीं कहाँ है, मजा नहीं आया यार। घूम के आओ, कहीं घूमाएगी नहीं, ना घूमे हो तो साथ में घूमी, तुम लोग आगे ब्लॉग पे जब ठंडी तो ब्लॉग बनाओ करंत घूम हो आई, अंकल जी हम आओ बैठा ले यार दो का पास, अरे बिन पाले कुछ नहीं करेंगे। ये देखो अंकल जी के पास बैठी हुई हैं, पहचानने लगते हैं ना, नहीं तो पैसा हम लोग तीत भाग देंगे, वीडियो भी खराब हो जाता है यार इतना जूम करने से, एक तो इतना दूर दूर बैठे भी हैं। चलो चलते हैं आगे, इतने शेर पाले यार छोट का, कुछ है नहीं यार, सिर्फ चले बस आ रहे हैं, बहुत आगे आ गए हैं, अब चलेंगे रिटर्न फिर। बहुत देर बाद कुछ पास में बिल्कुल जानवर दिखा है, कुछ ज्यादा ही पास है। हेलो ब्रो, व्हाट डू यू फॉर लिविंग, तुम जीने के लिए क्या करते हो, मालिक बस कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा दो तीन बार दो तीन राउंड खा लेता हूँ। अच्छा ठीक ब्रो, तुम ही लोग एक बहुत अच्छे हो, ए इधर सुन, तुम ही लोग एक बहुत अच्छे हो, उठे के टाइम आ है बेटा, तुम ही लोग एक बहुत अच्छे हो, पता है तुम लोगों को, क्योंकि शेर ने तो कुछ दिखाया नहीं, तुम लोग ने ही दिखाया अपने मुंह चलाना ये सब दिखाना। सो यार पूरा इंटरेस्ट खत्म, एंड पैक पैक अप बैग्स एंड गो टू द होम, जाएंगे वहीं करेंगे भी क्या, चलो चलते हैं। अच्छा नहीं जाना है, तुम उनका वो न मत बताओ जनन प्रेणी कि बेटा ऐसे से ऐसे होते हैं, और
ये है शुतुरमुर्ग। याद होगा एक किसी मूवी में और एक और आते हुए, हाँ मालिक हमारा फोटो। हाँ भैया आई होगी अपना भाई, ये पहले और यहाँ पे दूसरे आते हुए, और इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने का बिल्कुल चल रहा है। और यहाँ पे कमेंट्री देने तीन जजेस बैठे हुए हैं और यहाँ पे कमेंट्री दी जा रही है जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। एंड ये शुतुरमुर्ग ना कुछ करना चाहता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, मत कर। उनसे ज्यादा प्यारे तो यही दिख रहे हैं यहाँ। चली आज ऑमलेट का जुगाड़। बहुत गंदे वो तो तितलियां से तो है लेकिन यार कहाँ पे है ये नहीं दिख रहा। तो जमेरा नहीं आएगी पिंसू, नहीं आ रही। वाइट ब्लैक देख ना, ये देख नहीं आएगी सही। ये मरी हुई तितलियां यहाँ पे रख दी गई हैं। वीएलटी मरी हुई है, ए टू जेड सारी मरी हुई यहाँ है क्योंकि किसी ने किसी की जान ही जा रही है, वो जा रही है। ये कहाँ है वे, कहाँ लेके चले आए हैं? माना अच्छा है भी, पैसा वो खर्च कर रहे हैं। ये धड़ियाल, ये देखा तुम लोगों को धड़ियाल दे दिया होगा। हाँ तो मुकुंदपुर हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर की ओर। एक सेकंड मैं थंबनेल के लिए ले लूँ एक, हाँ क्लियर शॉट थंबनेल। तो चलो चलते हैं बाहर, बहुत घूम लिए, बहुत ऐसी मेरे मुंह से कुछ और ज्वाला निकल रही है पर कोई नहीं। तो चलो दिखेगी और कुछ भी नहीं। हमारे भाई की बात